इंदौर के पिपलियाहाना इलाके में एक बदमाश इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह बदमाश नशेड़ी है और आए दिन उत्पात करता है। इसके उत्पात पर जब आपत्ति उठाई गई तो इस बदमाश ने हाहाकार मचा दिया। दरअसल दीपक जामले नाम के इस बदमाश को लेकर स्थानीय रहवासियों ने थाने में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की बेरुखी के चलते इस बदमाश के हौसले बुलंद होते गए। नतीजा यह निकला कि बीती रात इसने इलाके के एक प्रतिष्ठित परिवार की एक विवाद के बाद कार में आग लगा दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढीला रवैया अख्तियार कर रही है, जिसके चलते बदमाश के हौसले बुलंद गए। फिलहाल स्थानीय रहवासियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। कृपया बताइए क्या घटना हुई और क्या हुआ है? ये दीपक जामले जितेंद्र जामले नाम से यहाँ रहता है एक बालक। ये नशा का आदि हो गया है, नाइट्रोबेट वगैरह और ये सब लेता है और आए दिन विवाद करते रहता। हमने विगत पहले भी पुलिस को सूचना करी थी तो उन्होंने बोला था कि आवेदन वगैरह दे दो, तो हम पूरे रहवासी इकट्ठे होकर 8-10 जन इकट्ठे होकर गए थे और आवेदन लिखित में दे के आए, उसकी कॉपी हम आपको बताएंगे अभी। उसके बाद कल फिर वापस से उन्होंने यहाँ काका से विवाद किया था, हमने सबने बीच बचाव किया तो उन्होंने रात में घर पे आके धमकी दी कि तुम्हारे घर से महिलाओं को निकलना दुभर कर देंगे और बोले तू बच्चियों को छोड़ने जाता है तेरे को तो वहीं देख लूँगा और बोले तेरा घर पर सब जला दूंगा। और रात में सूचना मिली पड़ोसियों से कि आपकी गाड़ी में आग लगी हुई, जब हमने रात में 3 बजे आके देखा हमारी गाड़ी पूरी जल रही थी और पूरी गाड़ी जला दी। पुलिस वालों को कई बार हमने सूचना करी कि भैया ये नशा करता है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करो, ना तो कोई कार्रवाई करते हैं, आते हैं उसको समझाइश दे के चले जाते हैं, कोई ठोस कार्रवाई का नतीजा नहीं निकला। हमने कल TI से ही मिलना चाहा, अगर TI भी उपलब्ध नहीं था फिर जिनको मारा था उनकी MLC वगैरह करवाई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उनको बोला कि उनके पिताजी को और उसको आप बिठा लीजिए, नहीं तो ये कोई घटना हो जाएगी, उसके बाद आप कोई कार्रवाई करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। और नतीजा ये निकला कि उनने गाड़ी जला दी है, वो तो उनको कोई मिला नहीं, नहीं तो वो क्या नशे में किसी को मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका शुभ नाम? गौरव जामले।